नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की, यानी अन्य साधनों या फिर अन्य स्रोतों से आय की। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लाभांश एवं लाभांश पर कर क्या होता है, यानी किस तरीके से लाभांश पर कर लगता है, टैक्स लगता है, और लाभांश का मतलब क्या होता है, यानी डिविडेंड एंड टैक्स ऑन डिविडेंड। सबसे पहले जानेंगे कि लाभांश किसे कहते हैं, क्या होता है लाभांश का मतलब, फिर जानेंगे कि लाभांश पर कर कैसे लगता है, टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें, समझें और जानें। लाभांश का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ डिविडेंड। लाभांश से आशय कंपनी के द्वारा अंशधारियों को उनके द्वारा कंपनी को दी गई पूंजी के बदले कंपनी में कंपनी को होने वाले लाभ के कुछ हिस्से को उन्हें देने से है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाभांश का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कंपनी का निर्माण होता है, कोई पब्लिक कंपनी है, तो जो भी अंशधारी होते हैं वो क्या करते हैं, अंश लेते हैं, शेयर लेते हैं, उसके बदले में वे कंपनी को कैपिटल देते हैं, यानी पूंजी देते हैं, पूंजी के रूप में कुछ पैसा देते हैं, तो उसी पैसे से कंपनी क्या करती है, अपना बिजनेस चलाती है। ठीक है, अब जब कंपनी अपना बिजनेस चलाती है उसी पैसे से, तो उस पैसे से बिजनेस चलाने के दौरान कंपनी को प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। तो जब कंपनी को लाभ होता है तो उसी लाभ में से कुछ हिस्सा कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें देती है। तो यहाँ पर उस लाभ का कुछ अंश यानी हिस्सा कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, इसलिए कहा जाता है उसे लाभांश, यानी लाभ का अंश, और ये लाभांश कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ऑब्वियस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। इक्विटी का मतलब होता है समतांशधारी, और प्रेफरेंस का मतलब होता है पूर्वाधिकार अंशधारी। तो यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं और समझाई जा रही हैं। अन्य शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी के लाभों का एक अंश अंशधारियों यानी शेयर होल्डर्स को उन्हें आवंटित अंशों पर यानी अलॉटेड शेयर्स पर कंपनी से मिलने वाले लाभ के अंश को लाभांश कहते हैं। यही बात पीछे भी कही गई थी। आगे कहा गया है कि लाभांश की यह राशि कंपनी द्वारा अपने चालू वर्ष के लाभों में से, यानी जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से, अथवा पिछले वर्षों के एकत्रित लाभों में से घोषित या वितरित किया जाता है। यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि जो भी कंपनी है वह प्रेजेंट टाइम में उसका जो प्रॉफिट हुआ है, प्रेजेंट ईयर में जो भी प्रॉफिट हुआ है, या फिर हम लोग कह सकते हैं करंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से, या फिर पिछले वर्ष जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और उसमें से कुछ पैसा कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, उस लाभ में से भी कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड यानी लाभांश घोषित कर सकती है, यानी डिक्लेयर कर सकती है कि हमें देना है, और इसके साथ साथ वितरित कर सकती है, वितरित करती है यानी लाभांश को डिस्ट्रीब्यूट करती है। दो बातें कही जा रही हैं। कभी कभी कंपनी स्थिति अनुसार लाभांश को पंजीकृत करते हुए अंशों के रूप में बिना कोई शुल्क लिए भी बांटती है, जिन्हें बोनस अंश कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कंपनी क्या करती है, लाभांश कैश में ना दे करके अंशों के रूप में देती है, शेयर्स के रूप में देती है कि लो अब मैं तुम्हें इस तरीके से लाभांश दे रही हूँ। तो जब कंपनी कभी भी शेयर्स के रूप में लाभांश देगी, डिविडेंड देगी, उसे हम लोग कहेंगे बोनस शेयर्स, यानी बोनस अंश कहते हैं। लाभांश के अंतर्गत माना गया लाभांश भी शामिल होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाभांश में डीम्ड डिविडेंड भी इंक्लूड होता है, किंतु इसमें अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 22 के अंतर्गत परिभाषित माना गया लाभांश शामिल नहीं है। बात यहाँ पर
क्लियर कर दी गई है, किंतु जो भी डीम्ड डिविडेंड है उसमें जो भी सेक्शन 2 क्लॉज 22 में डिविडेंड है वह शामिल नहीं है। ये बात आप लोग समझेंगे। आगे कहा जा रहा है कि कंपनी के द्वारा एकत्रित लाभों को नकद अथवा संपत्ति के रूप में वितरित किया जा सकता है। यदि वितरित लाभ संपत्ति के रूप में है तो संपत्ति का बाजार मूल्य अंशधारियों के लिए लाभांश माना जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे कही गई है। आगे बढ़ते हैं। लाभांश पर कर या लाभांश की कर योग्यता क्या होती है? टैक्स ऑन डिविडेंड आर चार्जेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। लाभांश पर कर की दृष्टि से लाभांश के निम्न रूप हो सकते हैं। अगर डिविडेंड पे टैक्स लगाया जाए ना, तो डिविडेंड को तीन तरीके से समझा जा सकता है। अब ये तरीके कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला है किसी घरेलू कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी द्वारा घोषित लाभांश। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है ना, तो उसके द्वारा जो लाभांश घोषित किया जाता है उसकी बात की जा रही है। दूसरा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा वितरित लाभांश अथवा अन्य कोई आय। जो भी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो भी लाभांश वितरित किया जाता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तीसरा है विदेशी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है उसके द्वारा जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है इस पॉइंट में। हम आगे समझते हैं। कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से एक घरेलू या भारतीय कंपनी द्वारा घोषित वितरित अथवा भुगतान किया गया लाभांश, जिसमें अंतरिम लाभांश की भी बात की जाती है, अंतरिम लाभांश सही यानी एंट्रीम डिविडेंड। अब एंट्रीम डिविडेंड क्या होता है उसको मैंने पहले भी जो भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वीडियोस बनाए हैं उसमें समझाया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पारस्परिक कोष यानी म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय तथा इकाई तथा भारतीय इकाई प्रन्यास यानी UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा वितरित कोई भी आय कर मुक्त थी, परंतु कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में ये सभी आयकर योग्य हो गई हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे जब कभी भी डिविडेंड पे टैक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये बातें समझने योग्य हैं। जो भी करेंट में सिनेरियो चल रहा है उसकी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे। लाभांश के संबंध में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो सकती हैं आप लोग देखेंगे। पहला है लाभांश का अंशों के अंकित मूल्य पर प्राप्त होना यानी डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो भी लाभांश होता है वो अंशों के अंकित मूल्य पर प्राप्त होता है। दूसरा है लाभांश पर आयकर का भुगतान यानी पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड्स। जो भी इनकम टैक्स है उसकी बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि लाभांश पर इनकम टैक्स देना, कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को लाभांश का जो भी भुगतान किया जाता है उस पर आयकर तथा इस आयकर पर अधिभार यानी सरचार्ज अथवा दोनों के योग पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है। यानी जो भी लाभांश प्राप्त करेगा उसके द्वारा किया जाएगा टैक्स का पेमेंट। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से लाभांश पर कंपनी द्वारा जिसने लाभांश वितरित किया है आयकर दे नहीं है। कहा जा रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से लाभांश पर कंपनी द्वारा जिसने लाभांश वितरित किया है आयकर दे नहीं है, उसके द्वारा आयकर दे नहीं है कंपनी के द्वारा। आगे बात करते हैं तीसरे की। लाभांश किसी भी रूप में डिविडेंड इन एनी फॉर्म। कंपनी अंशधारियों को लाभांश किसी भी रूप में दे सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि लाभांश का भुगतान नगद में ही किया जाए यानी कैश में ही किया जाए, ये बहुत विशेष रूल नहीं है यहाँ पर। जैसे कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को लाभांश के बदले में कोई प्रतिभूति अंश या अन्य सामान देना। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी लाभांश के रूप में कैश के अलावा सिक्योरिटीज या फिर और कोई भी सामान दे सकती है। चौथा है लाभांश की आय के लिए गत वर्ष का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ
प्रीवियस ईयर फॉर डिविडेंड इनकम। कभी कभी कंपनी लाभांश को जिस वर्ष में घोषित करती है उस वर्ष में उसका भुगतान नहीं कर पाती है, ऐसा होता है हमेशा, तो अगले वर्ष में उसका भुगतान होता है नेक्स्ट ईयर में। लाभांश उस गत वर्ष की आय माना जाता है जिस वर्ष में यह अंशधारक को वितरित किया जाता है। तो जो जिस ईयर में डिविडेंड दिया जाएगा उस ईयर का इनकम माना जाएगा। पांचवा है लाभांश के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। लाभांश के कौन कौन से रूप हो सकते हैं यहाँ पे आप लोग समझेंगे। सामान्य लाभांश यानी नॉर्मल डिविडेंड। सामान्य लाभांश को वार्षिक लाभांश भी कहा जाता है जो वर्ष में दिया जाता है। यह लाभांश उस गत वर्ष की कर योग्य आय माना जाता है जिस वर्ष में वह कंपनी द्वारा घोषित किया गया हो। यानी कंपनी ने घोषित कर दिया भाई साहब हम लोग लाभांश देंगे यानी डिविडेंड देंगे, उसी ईयर हम लोग इनकम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे उसका। दूसरा है माना गया लाभांश यानी डीम्ड डिविडेंड। लाभांश जो अधिनियम की धारा 10-34 के अंतर्गत कर योग्य है के अंतर्गत माना गया लाभांश शामिल है। यानी जो भी डिविडेंड सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के अंडर आता है टैक्सेबल है उसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानते हैं कहते हैं। धारा 2 क्लॉज 22 के अंतर्गत माना गया लाभांश उस गत वर्ष की कर योग्य आय माना जाता है जिस गत वर्ष उसका भुगतान हुआ है। इसको मैंने पहले भी समझाया हुआ अभी। लाभांश में अधिनियम की धारा 222E में संदर्भित माना गया लाभांश शामिल नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थात एक विशिष्ट अंशधारी संस्था को निजी कंपनी द्वारा ऋण अग्रिम दिया जाता है तो वह ऐसा लाभांश माना जाएगा। अब देखते हैं सी। इसमें कहा गया है अंतरिम लाभांश के बारे में यानी इंटरिम डिविडेंड के बारे में। यदि कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक साधारण सभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग से पूर्व लाभांश दिया जाता है तो वह अंतरिम लाभांश कहलाता है। यह लाभांश उस गत वर्ष की आय माना जाता है जिस गत वर्ष में कंपनी द्वारा ऐसे लाभांश का भुगतान किया गया है, ये बात भी आप लोग ध्यान देंगे समझेंगे और जानेंगे। अब डी देखते हैं कई वर्षों का लाभांश यानी डिविडेंड ऑफ मेनी ईयर्स। बहुत सारे वर्षों का भी लाभांश हो जाता है कंपनी जब नहीं देती है तो। ऐसी कंपनी जिसने कई वर्षों तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया है अर्थात कई वर्षों के लाभ को एकत्रित करके किसी एक वर्ष में लाभांश की घोषणा की है तो वह संपूर्ण घोषित लाभांश उस गत वर्ष की कर मुक्त आय माना जाएगा। अब देखते हैं ई। विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश यानी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। विदेशी कंपनियों से प्राप्त होने वाले लाभांश को कर योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है। कर योग्य है, टैक्सेबल इनकम है ये। यदि कोई विदेशी कंपनी लाभांश का भुगतान करते समय कर के रूप में कोई राशि काट लेती है तथा उसको वह भारत सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है तो ऐसी काटी गई कर की राशि को अंशधारी की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जब वो काट लेगा तो अंशधारी की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा अर्थात विदेशी कंपनी से प्राप्त शुद्ध लाभांश को ही अंशधारी की आय में जोड़ा जाएगा। क्लियर कट बात है ये। एफ, भारत के बाहर चुकाया जाने वाला लाभांश यानी डिविडेंड पेड आउटसाइड इंडिया। यदि कोई लाभांश है उसको भारत के बाहर पे किया जा रहा है उसकी बात की जाएगी यहाँ पर। यदि किसी भारतीय कंपनी द्वारा कोई लाभांश भारत के बाहर चुकाया जाता है तो उसे भारत में ही उपार्जित यानी अक्रूड हुआ मानेंगे। यदि यह लाभांश भारतीय कंपनी के अतिरिक्त भारत में व्यापार कर रही अन्य किसी कंपनी द्वारा चुकाया जाता है तो भारत के बाहर चुकाए गए लाभांश को भारत में उपार्जित नहीं मानेंगे, अक्रूड नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर अक्रूड वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है टोटल इनकम के चैप्टर में। जी, धारा 115BBDA के अंतर्गत लाभांश डिविडेंड अंडर सेक्शन 115BBDA। एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल्स हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर HVF या फर्म की कुल आय में घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश से आय 10 लाख से अधिक की शामिल है तो यह लाभांश धारा 115BBDA के अंतर्गत शामिल होगा तथा 10 लाख से अधिक रकम पर 10% की दर से आयकर लगाया जाएगा, इनकम टैक्स लगेगा उस पे।
अधिनियम की धारा 222G के अंतर्गत माने गए लाभांश यानी डीम्ड इनकम की दशा में धारा 115BBDA के अंतर्गत लागू नहीं होगा। धारा 115BBDA 1 अप्रैल 2020 और उसके बाद वितरित किए गए लाभांश पर लागू नहीं होगी। 1 अप्रैल 2020 और उसके बाद वितरित लाभांश पर कर समान दर से लगेगा, ये बात अमेंडमेंट में कही गई है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने आज समझा कि लाभांश क्या होता है और लाभांश पर टैक्स कैसे लगाया जाता है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग इन सारे के सारे टॉपिक्स को और भी डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यदि आपके पास प्रश्न है तो बताइए, हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।